हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इतने डिटेल में शायद ही आपको ऑनलाइन इतने डिटेल्स मिलेंगे। पिछले वीडियो में मैंने एमएसए स्टडी में कापा वैल्यू कैसे निकालते हैं उस पर वीडियो बनाया था। आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि एमएसए के एट्रीब्यूट स्टडी में इफ़ेक्टिवनेस, फॉल्स अलार्म रेट और मिस रेट क्या होता है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि इसे कैलकुलेट करने में लोगों को क्या क्या परेशानी होती है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इफ़ेक्टिवनेस। ये किसी भी इंस्पेक्शन प्रोसेस का करेक्ट कॉल है। ये हमें बताता है कि इंस्पेक्टर या अप्रेजर या ऑपरेटर ने कितने बार रेफरेंस के ओके सैंपल को ओके बताया है और नॉट ओके सैंपल को नॉट ओके बताया है। दूसरे वर्ड्स में कहें तो अप्रेजर ने कितने बार सही डिसीज़न लिया है। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ करेक्ट डिसीज़न डिवाइडेड बाय टोटल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिसीज़न। तो इसको और ब्रेक करके देखते हैं। ओके को ओके जितने बार बताया है प्लस नॉट ओके को नॉट ओके जितने बार बताया है डिवाइडेड बाय टोटल चेक। टोटल चेक मतलब आपके पास चेक करने के लिए कितने सैंपल्स है। सपोज आपने 30 सैंपल्स दिए होंगे और 3 ट्रायल दिया होगा तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 3। और इन टोटल को क्योंकि हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना होता है इसे मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। ये तो था इफेक्टिवनेस। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है। आप जब एमएसए मैनुअल में दिए गए एग्जाम्पल रेफर करेंगे इफेक्टिवनेस के लिए तो उसमें जो इफेक्टिवनेस कैलकुलेट किया गया है वो इस मेथड से नहीं है जो मैंने फॉर्मूला बताया है, उस फॉर्मूले से नहीं। इसलिए सेम मैनुअल में दिए गए एग्जाम्पल पे आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर कुछ और ही आएगा। तो एमएसए का फोर्थ एडिशन मैनुअल जब आप रेफर करेंगे तो पता चलेगा कि इफेक्टिवनेस कैलकुलेट करने का टोटल 4 मेथड दिया गया है और ऊपर वाला जो फॉर्मूला दिया गया है वो इफेक्टिवनेस कैलकुलेट करने का बेस्ट वे है। नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ में इसी मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, बट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी मेथड से कैलकुलेट करना बताएंगे कि मैनुअल में किस मेथड से कैलकुलेट किया गया है, बट आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करिए। नेक्स्ट है फॉल्स अलार्म। फॉल्स अलार्म क्या है। एमएसए मैनुअल में देखें तो मैनुअल में मिस रेट और फॉल्स अलार्म बहुत ही पुअर वे में डिस्क्राइब किया गया है, इसलिए अक्सर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए आप ध्यान से समझ लें कि फॉल्स अलार्म बताता है कि ऑपरेटर या अप्रेजर या इंस्पेक्टर कितने बार गुड सैंपल को बैड सैंपल बताता है, जिसका ये भी मतलब है कि ऑपरेटर ने कितने बार ओके पार्ट को रिजेक्ट कर दिया है। इसे टाइप वन एरर भी कहते हैं, प्रोड्यूसर्स रिस्क भी कहते हैं या प्रोड्यूसर्स लॉस भी कहते हैं, क्योंकि अगर वो ओके पार्ट को नॉट ओके बता रहा है या रिजेक्ट करते जा रहा है तो इसमें प्रोड्यूसर का लॉस है। तो इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसे कैलकुलेट करने का प्रोसेस है नंबर ऑफ फॉल्स अलार्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फॉल्स अलार्म। तो इसका फॉर्मूला है ओके सेड एज नॉट ओके, जितना ओके सैंपल को नॉट ओके उसने कहा है वो टोटल यहाँ पे डालेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल ओके। टोटल ओके क्या, जितना रेफरेंस में टोटल ओके है रेफरेंस वैल्यू में उतना टोटल ओके। अब क्योंकि ट्रायल 3 बार हुआ या 2 बार हुआ है तो उस नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, और परसेंटेज में निकालना है इसलिए टोटल को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉल्स अलार्म रेट इज अप्लाई टू द कन्फर्मिंग पार्ट इन द स्टडी। तो जो भी हमारे स्टडी में कन्फर्मिंग पार्ट है उस पर फॉल्स अलार्म अप्लाई करते हैं और जो भी नॉन कन्फर्मिंग पार्ट है उस पर मिस रेट अप्लाई करते हैं। तो ये तो था फॉल्स अलार्म। नेक्स्ट है मिस रेट। जब किसी भी डिफेक्टिव आइटम को वो ऑपरेटर या इंस्पेक्टर या अप्रेजर नॉन डिफेक्टिव क्लासीफाई करता है तो वो मिस रेट है। मिस रेट का डेफिनेशन ये हुआ नंबर ऑफ टाइम्स विच द ऑपरेटर आइडेंटिफाई एक बैड सैंपल को जब वो गुड कह रहा है तो उसको मिस रेट कहते हैं। मिस रेट को टाइप 2 एरर भी कहते हैं, कंज्यूमर्स रिस्क भी कहते हैं या कस्टमर रिस्क भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो बैड सैंपल को गुड सैंपल बता रहा है, वो नॉन कन्फर्मिंग सैंपल को कन्फर्मिंग सैंपल बता रहा है तो इससे क्या होगा कि कस्टमर के पास रिजेक्टेड सैंपल पहुंचने के बहुत चांसेस हैं, जिसके वजह से इसे कस्टमर रिस्क भी कहते हैं। तो मिस रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है।
number of misses divided by number of opportunities for a miss और multiplied by 100 क्योंकि हम इसे percentage में calculate कर रहे हैं, इसे break करके देखते हैं कि number of times not okay said as okay, not okay को कितने बार उस appraiser ने okay कहा है divided by total not okay, कहाँ reference value में, ना कि आप study का लेंगे, reference value में कितने not okay है वो multiplied by, अब reference में तो एक बार ही दिया है और हम trials तो दो बार या तीन बार कराते हैं, इसलिए multiplied by number of trials, इस total को 100 से multiply करेंगे जिससे हमें percentage में निकल जाएगा. The miss rate is applied to the non-conforming parts in the study. जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि miss rate जो है study के non-conforming parts पे apply किया जाता है. और false alarm क्या था? कि confirming parts पे apply किया जा रहा था. आइए एक industry example लेते हैं. दो inspector पूजा दिलीप 30 parts दिए गए हैं और दो times मतलब दो trials हैं. तो ये डेटा है तो इससे आप देख लें कि अभी हम सिर्फ पूजा का कैलकुलेट कर रहे हैं, आप खुद से दिलीप का कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं. तो पूजा का कैलकुलेशन ऐसा है कि ओके को ओके इसने कितने बार बताया 42, नॉट ओके को नॉट ओके इसने कितने बार बताया 17. तो अब ओके को ओके हम कैसे चेक कर रहे हैं, जैसे देखिए रेफरेंस में पास है और ट्रायल वन में पास, ट्रायल टू में पास, तो ये टोटल हो गया 2. फिर इसमें रेफरेंस में पास है, यहाँ ट्रायल वन में पास, ये हो गया 2, 3 एंड 4. ठीक है, ये ऐसे तो हम ओके का चेक कर लेंगे. अब नॉट ओके पे आते हैं तो फेल है और इसने फेल बताया, तो ये 2 हुआ, फिर ये 4, ये 6. तो इस तरीके से आप डेटा ले लें. अब टोटल चेक क्या है, टोटल चेक यहाँ पे सीरियल नंबर अगर देखें तो 30 है, टोटल 30 पार्ट्स थे तो 30 बार चेक किया क्योंकि ट्रायल 2 थे, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब टोटल चेक 60 है. तो नंबर फॉर्मूला इसका था कि ओके को ओके कितने बार बता रहा है प्लस नॉट ओके को नॉट ओके कितने बार बता रहा है प्लस डिवाइडेड बाई टोटल चेक इंटू 100. तो ये हो गया इफेक्टिवनेस, ये परसेंटेज में है ये आंसर. तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैनुअल का जो आप एग्जाम्पल देखेंगे तो वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं किया गया है, बट स्टिल दिस इज़ द बेस्ट वे टू कैलकुलेट इफेक्टिवनेस ऑफ एट्रीब्यूट स्टडी ऑफ MSA. नेक्स्ट आता है फॉल्स अलार्म. तो सेम आपको चेक करना है कि पूजा ने ओके को नॉट ओके कितने बार बताया है और टोटल ओके रेफरेंस वैल्यू में कितना है. रेफरेंस मतलब ये वाला रेफरेंस वैल्यू में टोटल ओके, ओके हम किसे कह रहे हैं, पास को, कितना है. तो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 0 आया है. और वैसे ही मिस रेट कैलकुलेट करना है तो नॉट ओके को ओके कितने बार बताया इसने पूजा ने, तो नॉट ओके को ओके अगर देखें तो आप यहाँ पे देखें ये 26 नंबर पे ये एक बार इसने नॉट ओके को जो फेल पार्ट है उसको पास बताया है. तो नॉट ओके को ओके एक बार बताया और टोटल नॉट ओके कितना था 9. तो ये फॉर्मूला पे डालें तो आंसर आ जाएगा 5.5%. तो अब ये तो था हमारा रिजल्ट. अब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है कि अगर इफेक्टिवनेस ग्रेटर देन 90% है तो एक्सेप्टेबल अप्रेजर एक्सेप्टेबल है, अगर 80% से ज़्यादा है और 90% से कम है तो मार्जिनली एक्सेप्टेबल कहलाएगा, और 80% से कम है तो वो अनएक्सेप्टेबल कहलाएगा, उस अप्रेजर को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. वैसे मिस रेट देखें तो या तो 2% या 2% से कम हो तो एक्सेप्टेबल कहलाएगा, या तो 5% या 5% से कम हो तो मार्जिनली एक्सेप्टेबल कहलाएगा, और 5% से ज़्यादा है तो अनएक्सेप्टेबल कहलाएगा. ऊपर देखें तो हमारा मिस रेट आया 5.5%, मतलब ये अनएक्सेप्टेबल है. तो वैसे ही फॉल्स अलार्म क्या है, 5% से कम या इक्वल टू 5% या 5% से कम हो तो एक्सेप्टेबल कहलाएगा, 10% से कम या 10% के बराबर हो तो मार्जिनली एक्सेप्टेबल कहलाएगा, और वैसे ही 10% से ज़्यादा हो तो अनएक्सेप्टेबल कहलाएगा. इसके अलावा आपको इतना प्रोसेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज जो शीट होता है इसका जो एक्सेल फॉर्मेट होता है नॉर्मली आप उसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं और वो वैल्यूज़ वो खुद कैलकुलेट करके आपको ये सारा डेटा दे देता है.
तो अब मेरे पास जो एक्सेल फॉर्मेट है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक दो दिन में डाल दूंगी, आप वहाँ जा कर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो मेरा जो होगा वो ये होगा कि मैनुअल में इफ़ेक्टिवनेस मिस रेट और फॉल्स अलार्म, हालांकि मिस रेट और फॉल्स अलार्म का सेम फॉर्मूला है बट इफ़ेक्टिवनेस का डिफरेंट फार्मूला है, तो मैनुअल में इफ़ेक्टिवनेस मिस रेट और फॉल्स अलार्म उस एग्जाम्पल में कैसे कैलकुलेट किया गया है वो मैं बताऊँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।